तो हेलो हीरोस, आज मैं खेलने जा रहा हूँ ग्रैनी चैप्टर 2 बट नाइट मोड में। और गाइस, इसमें बहुत सारा ब्लडी माहौल होने वाला है और मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा को मार के डोर स्किप करने वाला हूँ, बट कैसे वो लास्ट तक आप जरूर देखना। तो ओके गाइस, वन डे तो अपना स्टार्ट हो चुका है और अभी से ही पूरा रेड रेड माहौल हो चुका है और हॉरर वाइब तो ग्रैनी में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं। और मैं फुल स्पीड में जाने वाला हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रैंडपा मेरे पीछे लगेगा तो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, तो मैं ये नहीं चाहता। और मैं फटाक से इस वाले फ्लोर पे जाके इस बेड के नीचे छुपने वाला हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नहीं स्पाइडर घूम रहे। ओ एक सेकेंड, ग्रैनी भी आ चुकी है और ये आज ये कुछ ज़्यादा ही डरावनी नहीं लग रही है ग्रैनी, बट कोई बात नहीं। अपन को क्या करना है, अपन को तो सीधा यहाँ से मिशन करना है और गेट से स्केप हो गए, हमें सीधे सीधे निकल जाना। ओके लेट्स गो गाइस, तो अपन को मिल चुकी है स्टन गन, तो मतलब कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है, मुझे तो नहीं पता था। बट ग्रैनी और ग्रैंडपा तो पिटने वाले हैं, बट ग्रैंडपा पिट चुका है और ग्रैनी भी आती होगी, तो मैं स्टन गन करने वाला हूँ दोबारा रिलोड। और रिलोड करने के बाद ग्रैनी का करता हूँ वेट और देखते हैं कि ग्रैनी कब आने वाली है। ओके तो लेट्स गो गाइस, ग्रैनी भी आ चुकी, मतलब कि ये पहला ग्रैनी गेम होने वाला है जिसमें गाइस में मुझे नहीं लगता कि मैं एक बार भी पिटने वाला हूँ, क्योंकि इनसे भाई मैं पहले स्टन गन मिल चुकी है, तो ये थोड़ा मुझसे तो नहीं बचने वाले हैं, बट मैं इनसे फुल्ली बच जाऊंगा, ये तो भाई मुझे कॉन्फिडेंस है। मुझे तो तेरे ऊपर एक रत्ती भी भाई कॉन्फिडेंस नहीं है। डिंग डिंग, तू अपना मुंह बंद करेगा तब ना, क्योंकि भाई तू मुंह बंद कर, देख मैं कैसे यहाँ से एस्केप होता हूँ। ये कुछ भी फालतू बोलता रहता है भाई। तो मैं फालतू बोल रहा हूँ, तो देखते हैं भाई कि तू एस्केप कर पाता। तो ओके गाइस, मुझे प्लाट्स मिल चुका है और प्लाट्स से मैं इससे इलेक्ट्रिक वायर को काट दूंगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक वायर से काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो डोर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक आता है और उसे मैं टच करूंगा तो मुझे करंट लग जाएगा और गेम अपना दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता। तो पहले भाई मुझे प्लाट्स मिला तो मैंने इसे पहले काट के हटा दिया। और मैंने आई थिंक स्टन गन कहाँ पर ड्रॉप किया था, ये रही आई थिंक, हाँ ये। तो यहाँ पे मतलब कि उस प्लाट्स का यूज़ अभी है इस वायर कटर का, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका यूज़ कहाँ पे होने वाला बेसिकली। और आई थिंक रुक जाओ, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है भाई, खाली यहाँ पे भी कुछ नहीं है। आई थिंक ये हेलीकॉप्टर वाला रूम है, थोड़ा थोड़ा मुझे गेम याद आ रहा है। तो इस स्टन गन से मुझे यहाँ पे मारना है, क्योंकि गाइस ये जो जेल है या लॉकर है कुछ भी है ये बंद था, तो मैंने इसे स्टन गन से खोल दिया है उस बटन को क्लिक करके। तो लेट्स गो गाइस, चल दो चलते हैं और इस भाई इस कवर्ड को खोलते हैं, कवर्ड या ताबूत, आई डोंट नो, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, ताबूत ही बोलते होंगे इसे। और इसके अंदर से मिला है हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर से नहीं स्केप होना है भाई, मुझे स्केप होना है डोर से। बट गाइस यहाँ पे डोर का तो कोई सामान मिला नहीं, तो स्टन गन की मैं सोच रहा हूँ एमओ भाई रिलोड कर ही लेते हैं, क्योंकि अगर ग्रैनी या ग्रैंडपा कल को आ गए तो मुझे नहीं लगता कि मैं बचने वाला हूँ, तो मैं भाई फुल्ली रेडी रहता हूँ। हेलीकॉप्टर मैनुअल ये क्यों दे रहे हो भाई, जब मुझे हेलीकॉप्टर से स्केप ही नहीं होना है, मुझे होना है यहाँ से डोर स्केप नाइटमेयर मोड में। बट गाइस मैं पहली बार खेल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही खतरा वाला काम है भाई, मुझे तो नहीं लगता मैं पार भी होने वाला। ओके ओके, नहीं नहीं होंगे भाई, होंगे पार, ऐसे कैसे नहीं होने वाले हैं। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ तू नहीं पार हो पाएगा। मैंने कहा ना, तू बस अपना काम कर भाई, तू अपना काम कर, मैं पार कर लूँगा, ठीक है ना। तो ओके गाइस, मुझे वो जो डोर हैंडल मिला था यहाँ पे लगाना था, तो मैंने इसे लगा दिया है। अब बस मुझे दो तीन आइटम और चाहिए, उसके बाद मैं डोर स्केप होने वाला हूँ। बट अब ग्रैनी और ग्रैंडपा ना आ जाए, क्योंकि मैंने स्टन गन भी फेंक दिया है और मुझे नहीं लगता। वैसे गाइस यहाँ पे नाइटमेयर मोड में एक बात है कि यहाँ पे स्पाइडर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, मतलब कि ये जो भाई स्पाइडर है ना, और ये थोड़ा सा हमें डैमेज भी करते हैं, ये मैंने नोटिस किया है, क्योंकि दो तीन बार इन्होंने मुझे काटा है, तो हल्का हल्का डैमेज हो रहा था, तो इन स्पाइडर से भी बच के रहना पड़ेगा भाई। ओ एक सेकेंड, ग्रैंडपा भाई यहीं पर है आई थिंक, इसने मुझे देख लिया। जल्दी चल भाई देख, अगर इसने देख लिया ना, ऐसे मुझे इसे देख लिया था मुझे पक्का पता है। ये देखो, रुक जाओ, एक मेरे पास आइडिया है, रुक जाओ भाई, बहुत मस्त आइडिया है। पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे भाई बम फेंक देता हूँ ना, क्योंकि ग्रैंडपा आया है भाई, मज़ा ही आ जाएगा। बट वो यहाँ से गया ना, हो तो ना, चला गया यार। अब मुझे दोबारा साउंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आएगा, ग्रैंडपा या ग्रैनी कोई ना कोई तो आएगा, और मैं उन्हें बम से मारने वाला हूँ भाई। स्टन गन से मैंने बहुत बार मार रखा है, बट इस बार गन से मारते हैं। तो ओके लेट्स गो गाइस, मैंने साउंड कर दिया है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई आ चुका है। ओके लेट्स गो, आ चुका है। अब मैं इस बम को फेंक के जल्दी से जाने वाला हूँ। ओके लेट्स गो। ओके भाई ओके, मर गई ग्रैनी, दो मिनट के लिए तो गई। तूने ग्रैनी को मार दिया, बट तू ये ग्रैंडपा नहीं छोड़ने वाला है।
चल चल ग्रैंडपा को भी देख लूंगा और तुझे भी देख लूंगा। पहले मैं यहाँ से स्टन गन उठा लेता हूँ, उसके बाद तुमको मैं बताता हूँ। रुक जाओ, स्टन गन भाई मैंने उठा लिया है। अब ग्रैंडपा भी आने ही वाला होगा, उसे भी भाई प्रसाद में सोच रहा हूँ लगे हाथ दे ही देता हूँ। बट ग्रैनी को मैंने मार दिया ना, वैसे वो इतना जल्दी आने वाला नहीं होगा भाई, वो मुझे पक्का पता है वो नहीं आएगा इतना जल्दी। तो वेट कर लेते हैं भाई, वेट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके ओके, तो मुझे हैंड व्हील मिल चुकी है और इसका भी यूज़ मुझे पता है कहाँ आने वाला है। जल्दी जल्दी इसे फेंक भाई स्टन गन, ये मेरे हाथ में क्यों चिपकी रही है। तो गाइस इसका यूज़ आने वाला है नीचे वाले फ्लोर पे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो लोहे की है ना पूरी, मतलब कि ये जो बॉर्डर सा बन रखा है ना, वो इस व्हील से हट जाएगा। चलो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ डायरेक्टली। तो ओके लेट्स गो गाइस, वहाँ पे हट चुका है। अब बस मुझे दो तीन आइटम और चाहिए, बस हो गया, उसके बाद मैं होने वाला हूँ डोर स्केप। और भाई नाइटमेयर मोड में डोर स्केप होना मुझे तो लगता है आसान ही है भाई, दोनों मोड में आसान है। तो पहले से मैं यहाँ भाई स्टन गन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे आसान चीज़ें ज़्यादा पसंद है ना, तो वरना ग्रैनी और ग्रैंडपा फालतू में आ गए हैं तो कल को भाई मैं उनको क्या ही बताऊँगा, मतलब कि मारना तो पड़ेगा ही ना उन्हें। तो गाइस अपन को यहाँ पे सेव की भी दिख चुकी है भाई, देखते हैं यहाँ पे क्या ही सीन है। पहले मैं यहाँ से थोड़ा साउंड कर देता हूँ, क्योंकि साउंड करने के बाद ग्रैनी या ग्रैंडपा कोई दोबारा आने वाला है, और दोबारा आने के बाद वो दोबारा मुझसे पिटने वाले हैं। तो वैसे नहीं आया, अभी तक नहीं आया, एक बार और साउंड कर देते ना भाई, साउंड करने में क्या जा रहा है। ओके ओके भाई, कोई ना कोई तो आ ही गया होगा, आओ चलो देख के आते हैं, कोई ना कोई आ गया होगा, फिर उसे दोबारा बजा के आते हैं, फिर दोबारा मजा लेंगे भाई। पहले कोई ना कोई आ तो गया ही होगा, ग्रैंडपा पक्का आया होगा, ग्रैंडपा या ग्रैनी। ओ भाई ग्रैनी आ गई, तेरी इतनी किस्मत कैसे ख़राब हो सकती है ग्रैनी। ग्रैंडपा को भेज ना, तू बार बार क्यों पिट रही है, दो मिनट के लिए फालतू कुछ बोल मत देना, ठीक है ना, दो मिनट के बाद ही बोलना जो भी बोलना है, बट अभी नहीं। तो ओके गाइस, इन सब का मैं फंडा हटाता हूँ, और मुझे यहाँ पे सेब की आई थिंक मिली थी। ओके लेट्स गो गाइस, तो मुझे सेब की का चलो यूज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ कहाँ पे होने वाला। वैसे बेसिकली आप सब को तो पता ही होगा, क्योंकि मैं मुझे भी भाई इतनी बार मैंने ग्रैनी खेल लिया है ना, कि ऐसे मैं अंधा भी हो जाऊँ ना, फिर भी मैं मतलब कि ग्रैनी बिल्कुल ही अच्छे से खेल सकता हूँ भाई। वैसे तेरे पास आंखें हो के भी तू अच्छे से नहीं खेल पा रहा, तो अंधा होकर क्या ही खेलेगा भाई। मैंने तुझे कितनी बार कहा, तू अपने काम से काम रखा कर। तो ओके गाइस, हमें बेंच भी मिल चुकी है, बस मुझे यहाँ पे क्रोबार चाहिए और पैडलॉक की, और आई थिंक बस हो गया। बट इस बेंच को पहले चलते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। इससे गाइस ये होगा बेसिकली वो जो टनल है वहाँ पे, मतलब कि वो पानी है, और पानी या एसिड है आई डोंट नो, पता नहीं, मैं उसके पास जाता हूँ तो गेम दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है, तो उसे इससे वो पूरा खींच लेगा। तो यहाँ पे अभी खाली हो चुका है, अब इसके बाद वहाँ पे वो स्पाइडर ग्रैंडपा जा रहा है। चला जा, मैं यहाँ पे हूँ नहीं, ठीक है ना, चला जाओ। स्टन गन मैंने कहाँ पे फेंकी थी मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक ऊपर वाले फ्लोर पे, स्टन गन ऊपर वाले फ्लोर पे पक्का यही होना चाहिए। हाँ ये रही। ओ भाई ग्रैनी भी है, ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों है, बट दोनों जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, और गड़बड़ ना हो, बस स्टन गन उठा लूँ, बस लेट्स गो गाइस, मैं ग्रैनी को बजाने वाला हूँ, और ग्रैनी और ग्रैंडपा को दोनों ही। ओके लेट्स गो, तो ग्रैनी भाई मर चुकी है, दो मिनट के लिए ये फिर फैल गई भाई ये। बट ग्रैंडपा वेट कर लेते हैं, वैसे ग्रैंडपा नहीं आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं उसे खुद ही बजा के आता हूँ, है कहाँ, बट वो ग्रैंडपा तो दिख तो रहा नहीं है, कहाँ चला गया, इन साथ में तो थे यार दोनों, पता नहीं कहाँ ही चला गया। देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं है, नहीं है गाइस, ऐसे कैसे नहीं है ग्रैंडपा, तुम लोग पिटने के लिए आ रहे हो क्या भाई, ये लोग पिटने के लिए आ रहे हो। बट मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ इस स्पाइडर को भी बजा देता हूँ, स्पाइडर या डॉगी इसका कुछ भी फालतू है भाई, ये अलग ही चिल्लाता रहता है। इसे पहले स्टन गन को यहाँ से फेंकते हैं, और इसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पहली बात है क्या, कुछ ना कुछ तो होने। ओके लेट्स गो गाइस, मुझे क्रोबार मिल चुका है, और इस क्रोबार का यूज़ पता है आप लोग को कहाँ होने वाला है, डोर में होने वाला है, और वो नीचे वाले बेसमेंट में होने वाला है। तो पहले भाई चलो डोर को खोलते हैं पहले। तो ऑलराइट हीरोस, मैंने दोनों डोर का जो प्लैंक है वो मैंने हटा दिया, उसके बाद भाई चलते हैं अब नीचे बेसमेंट में चलते हैं, और बेसमेंट में देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके वेपन की वैसे ज़रूरत तो है, बट गाइस अपने पास स्टन गन है तो दो दो वेपन मैं कैरी नहीं कर सकता भाई, एक ही सही है अपन को, एक ही में ग्रैंडपा इतना परेशान, दो आ जाएगा तो भाई वो तो अलग ही सीन हो जाएगा ना।
तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके लेट्स गो गाइस। पैडलॉक की मिल गया भाई, मिल गया। अब मैं एस्केप हो जाऊंगा, अब पक्का एस्केप हो जाऊंगा। जल्दी चल भाई, वरना ग्रैनी ग्रैंड पास जाग जाएंगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जल्दी चल। तो ओके लेट्स गो गाइस। तो मैं डोर एस्केप हो चुका हूँ भाई, विश्वास नहीं हो रहा मैंने यहाँ पे डोर एस्केप कर दिया। हथौड़ी के बच्चे अब बता, देख मैंने डोर एस्केप कर दिया ना, बता रहा था मैं डोर इसको एस्केप कर दूंगा। तो गाइस ये गेम एंड हो चुकी है, और आपको अगर ये वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।